में आपने संकल्प लिया है, कोई लक्ष्य चुना है, तो उसे कोशिश करिए कि जितना जल्द से जल्द हो जाए उसे पूरा कर दीजिए। यदि आप उसे टालना चालू कर देंगे तो फिर वो टालते 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 बहुत दूर चला जाएगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। जितना आप उसे टालेंगे वो आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करना है, कोई भी मन बनाया आपने कि मुझे ये कार्य करना है, ये चीज अचीव करनी है, ये टारगेट बनाना है, तो आप फिर उसी ऊर्जा के साथ उसको अचीव करने में लग जाइए, उसमें पूरी जोश भर दीजिए, उसमें फिर कोशिश करिए बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, उसको जितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, खत्म करें। तो टास्क यदि आपने बना लिया, जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे लोगों की आदत क्या होगी, सुबह प्रातः उठने का ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सुबह यदि आपने जल्दी प्रातः उठने का प्लान बनाया तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी भी इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और कर भी रहे होंगे तो बहुत दुविधा होती होगी। सुबह उठना उनके लिए एक बहुत बड़ी महाभारत है ना, ऐसी पढ़ाई के साथ भी है, ऐसी अन्य कोई भी काम के साथ है। उनके साथ होता क्या है कि मान लीजिए कोई काम करना है तो उनको लगेगा 5 मिनट बात करूंगा, फिर इसके बाद अगेन फिर उनको 5 मिनट, फिर वो 5 मिनट, फिर वो 5 मिनट, वो अलार्म लगाते हैं ना, फिर वो स्नूज करते चले जाते हैं अलार्म को, और स्नूज करते 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 कितना स्नूज करते हैं ये आप जानते हैं, फिर वो टाइम कहां चला जाता है आपको पता है। तो ऑन टाइम कोई चीजें हो या बिफोर टाइम कर ले तो और अच्छी बात है। कोई भी चीज चुनिए, उसका एक टाइम स्लॉट बनाइए कि आगामी 1 घंटे 1.5 घंटे में काम आप पूरा करेंगे। बस जब आपका वो 1.5 घंटे में काम पूरा हो जाए, बस कोई दिक्कत नहीं है, समस्या ही नहीं है आपको। इसलिए मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज एक संकल्प लीजिए आप कि आप कोई भी काम जो चुनेंगे उसे जितनी जल्दी हो सकेगा उसे पूरा करके रख देंगे। ऐसे कोई सब्जेक्ट के साथ भी करते हो आप कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आप उसको कल पढ़ लूंगा कल पढ़ लूंगा, कोई काम कल में नहीं टालना है। यदि आप कल के लिए है ना, तो फिर आप मान के चलिए कि वो चीज आपकी कभी पूरी ही नहीं होगी। कल में डालने से बचना है, जो काम करना है अभी करना है, जगना है अलार्म बजा उठ के बैठ जाइए, समझ रहे हैं। या तो फिर पूरी तरीके से ये प्लान बना लीजिए कि मुझे सोना ही है, समझ रहे हैं। अच्छा, सोने में भी आप ये करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घ सूत्रता, प्रोक्रेस्टिनेशन इसको बोलते हैं। तो आमतौर पे सोने में क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा, थोड़ा सा फोन चला लूं, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा, थोड़ा सा फोन चला लूं, ऐसे में हर चीज में लेट होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें। कोई भी बच्चा यदि ऐसा कर भी रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है, सब लोग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस बीमारी, एक बीमारी है जो आपने खुद पाल रखी है और इसको आप ही दूर कर सकते हो। तो आपको कोई चीज टालनी नहीं है कि अभी के काम को कल में टाला, कल के काम को परसों में टाला, परसों के काम को अगले दिन में टाला। जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी समय करना है, इस माइंडसेट के साथ आपको अपने आप को लेकर के चलना है। कल का मतलब है खत्म चीजें, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं उसका, वो होगा ही नहीं वो काम, आप फिर भूल जाओ उसको, लिस्ट से ही काट दो कि अब ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो जो लोग दीर्घ सूत्री हैं, किसी काम को कल में टालते हैं, वो बहुत पिछड़ जाते हैं अपने लाइफ में, है ना, उनके गोल्स सिर्फ गोल्स बन के रह जाते हैं, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो अचीवर बनना है तो जो प्रण किया उसको उसी दिन करके खत्म कर दिया। क्लियर है सभी को, स्पष्ट है ये बात मेरी? तो इसको अब अपने जीवन में अमल में लाना है, सिर्फ बात को सिर्फ यहां तक रखने के लिए नहीं रखना है, अमल में लाना है, ठीक है। यदि हमने कुछ संकल्प लिया कि ये काम मुझे आज से नहीं करना, बस खत्म बात, ये चीज आज से मुझे पढ़नी है, ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है। अच्छा, इंग्लिश है, आप में से बहुत सारे लोगों की इंग्लिश बहुत कमजोर रहती है, मैथ बहुत कमजोर रहती है, रीजन क्या रहा पता है, यही प्रोक्रेस्टिनेशन, आपने उसे हमेशा टालते रहे, कभी इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, कभी मैथ लगाने की कोशिश ही नहीं की, और वही कारण रहा कि आज तक आप इंग्लिश सीख नहीं पाए। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, रीजन क्या है पता है उसके पीछे, उन्होंने कभी टाइम ही नहीं दिया उस सब्जेक्ट को। जिन्होंने कहा कि मेरी मैथ बहुत खराब है, उन्होंने कभी टाइम ही नहीं दिया मैथ को। अरे देना चालू करिए, पर डे आधे घंटे दीजिए भाई, 1 घंटे देना चालू करिए, देखिए कैसे आप 1 महीने बाद बेटर होते जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरी सलाह आप सभी को सिर्फ ये है कि यदि कोई हमने टारगेट रखा, जैसे लाइक मैं कहता हूं हमेशा 5 AM क्लब में आप शामिल होइए मेरे साथ, सुबह 5:30 बजे मेरी क्लास में जुड़िए, 5 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठने के बाद तो ये 5 AM क्लब हमारा सुबह मॉर्निंग का जो करंट अफेयर्स क्लास होती है, इसमें सारे बच्चे जुड़े, ठीक है, मॉर्निंग के, और जुड़ने अब ये कब हो पाएगा, जब उठ पाओगे। अब उठने की समस्या बहुत लोगों के साथ है, सर मैं सोता ही 2 बजे हूं, मैं 3 बजे सोता हूं। किसने कह दिया 2-3 बजे सोने की? आप सुबह 5 बजे से उठ करके 5:30 तक पढ़िए, 5:30 के तक रेडी होके 5:30 से पढ़ना चालू करिए। जो काम आप रात को 12-1 बजे पढ़ रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा।
ठीक है, आप सुबह उठ के फिर पूरा दिन आपके पास पड़ा है, पूरा दिन रात को 10 बजे तक पड़ा है, आपको स्वस्थ भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, याद भी होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे सुबह सुबह एनर्जी ही नहीं रहती, मुझे तो ये लगता है कि मैं सुबह सुबह कैसे न करके करके फिर सो जाता हूं, फिर मुझे लगता है। वो एक्चुअली आपने एक माइंडसेट बना रखा है ना, आपको माइंडसेट ही तो चेंज करना है ना, आपको माइंडसेट आपने बना रखा है कि सुबह एनर्जी नहीं रहती। दरअसल सुबह सबसे पीक में एनर्जी रहती है, बस अब आप उस पीक एनर्जी का यूज कितना करते हैं ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए मेरी आप सभी से सलाह है, दरख्वास्त है, जितने भी छात्र मुझे सुनते हैं, मेरे छात्र जितने भी हैं, आप सभी मेरे छात्र हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर ये वाली कमी को दूर करिए। अच्छा, कुछ लोगों का पूरा बुढ़ापा आ चुका होता है, आप लोग कभी अपने गार्जियन को भी देखिएगा, वो भी किसी काम को टालते रहेंगे और टालते कहां चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि वो चीज नहीं करनी है अपने लाइफ में, हमें एक्टिव रहना है, सबसे आगे रहना है, सबसे प्रोग्रेसिव रहना है। जब आप सबसे आगे और प्रोग्रेसिव रहने की कोशिश करोगे फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा आप सभी के लिए सजेशन है, आप एक मेंटोर के तौर पे माने या अपने मित्र के तौर पे माने या एक शिक्षक के तौर पे माने, किसी भी रूप में माने, बट मेरी ये सलाह मानिए, डॉक्टर और शिक्षक से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, ये अपना मंत्र समझ लीजिए, और डॉक्टर और शिक्षक की सारी बात माननी भी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बात मेरी माननी है कि आपको अपने जीवन को में कल को हटा देना है, कल आपके जीवन को खत्म कर देगा, आज करना है, अभी करना है, इस माइंडसेट को बैठा लीजिए, बड़े बड़े शब्दों में अपने दिमाग में लिख लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। तो ये आपको लाइफ में बहुत एक्टिव रखेगा, जल्दी गोल अचीव कराएगा, लाइफ में जल्दी सफल होगे, जल्दी आपको चीजें मिलेंगी, ये सबसे जरूरी है, ठीक है।